नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा वॉइड रेशियो के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ई से। तो जो ई होता है, ई विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। जो सॉइल का थ्री फेज सिस्टम डायग्राम होता है, उसमें अपन लोगों ने पढ़ रखा है कि जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें कुछ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स होता है और कुछ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स होता है। तो ये VS हो गया और ये VV हो गया। ठीक है, क्योंकि जब मोर देन टू सॉलिड पार्टिकल्स एक वॉल्यूम में अरेंज होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ वॉइड रह जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स विल बी इक्वल टू ई। ठीक है, अब जो ई होता है वो हमेशा ई जीरो से बड़ा होता है। नोट नंबर वन, ये क्यों होता है? क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, जो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स है उसका मान जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो E हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, एक दूसरा नोट है कि E विल बी इक्वल टू V अपॉन VS। अगर अपन दोनों तरफ वन और वन ऐड कर लें तो जो इक्वेशन आएगी वो होगी अपने पास वन प्लस E इक्वल टू VV अपॉन VS प्लस वन। ठीक है, जब अपन इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो वन प्लस E विल बी इक्वल टू VV प्लस VS अपॉन VS। तो VV अपॉन VS होता है, वो होता है टोटल वॉल्यूम के इक्वल। क्योंकि अगर किसी थ्री फेज सिस्टम में दो ही वॉल्यूम हो सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, अब उस वॉइड्स में पानी भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वो बाद की बात है। ठीक है, तो वो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, तो अगर अपन VS को इस तरफ ले जाएँ तो VT ओब्लिक में 1 प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स है, अगर अपन को नहीं पता और टोटल वॉल्यूम और वॉइड रेशियो दे रखा है तो अपन इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं, VS विल बी इक्वल टू VT अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, तो ये हो गया वॉइड रेशियो। एक छोटा सा नोट और है कि वॉइड रेशियो किस में ज़्यादा होता है, कोरस पार्टिकल्स में या फाइन पार्टिकल्स में। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल साइज ऑफ द वॉइड होता है वो कोरस पार्टिकल्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स होगा वो फाइन पार्टिकल्स में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो वॉइड रेशियो का मान होगा वो फाइन पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा और कोरस पार्टिकल्स के लिए कम होगा। ठीक है, तो इसको नोट करके लिखा है, दो द साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड इज़ मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है, क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसमें इंडिविजुअल वॉइड का साइज तो कम होगा लेकिन नंबर ऑफ द वॉइड्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 5-5 के 2 सिक्के हैं तो वो 10 रुपये हो गए, लेकिन आपके पास 1-1 रुपये के 12 सिक्के हैं। ठीक है, तो एक वॉइड का साइज़ तो कम है, जैसे 1 रुपये अगेंस्ट 5 रुपीज़। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ द वॉइड्स ज़्यादा रहेगा, तो एक हो जाएगा 12 और एक रहेगा 10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो अपना दूसरा टॉपिक है वो पोरोसिटी। ठीक है, तो पोरोसिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है वॉइड रेशियो के, लेकिन अपन प्रेफर ज़्यादा किसको करते हैं, वॉइड रेशियो को। इसका भी अपन कारण बताएंगे आपको। तो जो पोरोसिटी होता है उसको नीटा से डिपेंड करते हैं, जो एन की तरह होता है। तो नीटा विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अगर अपन को रेशियो में रिप्रेजेंट करना है तो 100 नहीं आएगा, अगर रेशियो में रिप्रेजेंट करना है तो इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो नीटा विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स VV अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम VT इनटू 100। ठीक है, अब जो नीटा का वैल्यू रहता है वो जीरो से लेके 100 के बीच में रहता है, ना तो जीरो हो सकता है ना 100 हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स रहेगा वो हमेशा वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से कम रहेगा, इसलिए 100 से कम रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स कभी जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो से भी ज़्यादा रहेगा। एक बात, दूसरी बात, मैंने बताया कि ई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पोरोसिटी से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पोरोसिटी में जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ले रखा है यहाँ पे नीचे की तरफ, जबकि ई में अपन ने जो वॉल्यूम लिया था वो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स लिया था। ठीक है, तो इसका इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम के स्टेबल रहता है। ठीक है, इसलिए ई ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स चेंज होगा तो टोटल वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो एन का मान चेंज होता जाएगा और अलग तरीके से चेंज होगा, लीनियर तरीके से चेंज नहीं होगा। जबकि ई है उसमें जब वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स चेंज होगा तो लीनियर तरीके से चेंज होगा। ठीक है, एक बात। अब दूसरा पूछा जाता है आमतौर पर कि ई और एन में संबंध, नीटा में संबंध, मतलब पोरोसिटी व वॉइड रेशियो में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप, तो इसको रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे अपन ने कुछ कैलकुलेशन की है, उसको ध्यान से देखिए कि नीटा विल बी इक्वल टू VV अपॉन VT। ठीक है, अब जो VT है वो होगा VV
प्लस वी एस यानी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने यहाँ से वी एस कॉमन ले लिया नीचे से और उसको ऊपर भेज दिया, तो ऊपर तो जाएगा वी वी अपॉन वी एस, ये हो गया ई। ठीक है, नीचे बच गया वी वी अपॉन वी एस प्लस वन, तो वी वी अपॉन वी एस हो गया फिर से ई और प्लस में वन, तो नीटा विल बी इक्वल टू ई ऑब्लिक में वन प्लस ए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर इसको रिवर्स करके देखते हैं तो जो ई का वैल्यू आएगा वो आएगा नीटा अपॉन वन प्लस एन। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हो गया ई और एन में। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो उसको आप ध्यान से कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।